तेरे को ब्रेड चाय खाना है? बना देगी तो खा लूंगा पक्का। हम तीनों भाई बहन का एक ही डायलॉग है, बना देगा तो हम खाने में हेल्प कर देंगे, है ना? दीदी हनी बताऊँ क्या बोल रहा है, जितना भी तेरे को अभी तक पता है ना कुत्ता का ब्रीड सब, ठीक है, सब एक एक ले जाते हैं, ठीक है, कैनल पे, और सबको छोड़ देते हैं और रॉयल रंबल करा देते हैं, और जो लास्ट में अगर जीत गया उसको ले लेंगे, और मेरे को पक्का पता है कोई मस्ती ब्रीड ही जीतेगा। और मेरे को बोलने का शब्द नहीं है, मैं बार बार कैसे डायलॉग एकदम मस्त मस्त नहीं ला सकता मैं। स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। आज है 21 तारीख और अभी 2:30 बज रहे हैं। सुबह से थोड़ा सा ब्लॉग का एडिटिंग बाकी था, तो वो करने के बाद, ब्लॉग अपलोड करने के बाद, खाना पीना खाने के बाद सब कुछ हो चुका है अभी। और अभी थोड़ी देर में हम सोचेंगे कि पार्क जाना है कि नहीं। ये क्या कर रहा है भाई? सनी तुम्हारा पेपर कब से है? पूछा भी नहीं। कौन सी क्लास में? ये पूछना सनी, कौन सी क्लास में? जहाँ तक मेरे को याद है मैं 8th में हूँ। कौन कौन है जो एग्जाम से बस एक दिन पहले एकदम रगड़ देता है बुक को? कौन कौन थोड़ा कमेंट में यस कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। भाई तो कौन कौन से नाम से तो फोल्डर बना देता है, जब किसी को लैपटॉप दिखा भी नहीं सकते। ए, मैंने देख लिया एक। अरे दीदी यार अंधेरा हो जाएगा 4 बजे, दीदी चलो ना। हाँ जाना है कहाँ? पार्क। पापा भाई बच्चे जैसे क्यों कर रहे तो? मैं छोटा बच्चा हूँ ना। तो मेरा बस अभी 2 एग्जाम बाकी, एक और को मैं भी थोड़ा आ जाता हूँ। आ जाओ। तो मेरा सर इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लीजिएगा। अब नहीं, अब सुनाओ बात। तो मेरा 2 एग्जाम बाकी है, पॉलिटिकल साइंस और एक फिजिकल एजुकेशन। तो पॉलिटिकल साइंस का मंडे को है, बाकी मेरे को देखना पड़ेगा कि फिजिकल का कब है। मेरे को 8 बजे उठाया मत कर, बोलता है चीटिंग करवा दे, चीटिंग करवा दे। बोलता है एक फोन लेके जल्दी से तैयार हो दे, देसी में क्वेश्चन बोलूं। हाँ सीधे टाइप कर। बिल्कुल एग्जैक्ट यही तो मैं बोलना चाहता हूँ। उठाएगा तो देखिए। हाँ पक्का। ओ भाई कुछ तो सोच। कैसा आरोप लगा दिया मैं इसको। अच्छा ये बताइए आप लोग कि कितने लोग क्यूएनए के लिए वेट कर रहे हैं? ठीक है, तुम्हारा क्यूएनए ना। मेरा क्यूएनए उस दिन आएगा जिस दिन पबजी लॉन्च हो जाएगा, कोरोना का वैक्सीन आ जाएगा। ठीक है चले। तो अभी हम निकल चुके हैं घर से पार्क के लिए, और आज थोड़ी धूप भी है, हम उसी दिन जाते जब थोड़ी धूप होती है। और ऐसा है कि हम तीनों का एक बार वो लास्ट तक मैच चला के लाऊंगा, फिर एक बार सनी जाएगा, फिर एक बार दीदी साइकिल चला के आएगी, उसके बाद पार्क में एंटर करेंगे हम। तो मेरा बारी हो गया है, अभी सनी चला रहा है साइकिल। सनी साइकिल लेके चला गया, वो आई नहीं, फरार हो गया वो। फरार हो गया वो, एक राउंड मार के आना था, वो लेके भाग गया पार्क में। मेरी बारी कब आएगी फिर? तेरी बारी अब आएगी कल। अभी आ रहे, देख पूरा घूम के घुमा के ला रहा है साइकिल एकदम। तुम गए कैसे वहाँ पर? हाँ गए कैसे वहाँ पर? वहीं से घूम के आना था, पूरा चक्कर मार के आई है। चलो उतर जाओ अभी। जी हम पहुँच गए पार्क, और ये एरोप्लेन की आवाज, मुझे बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं, और मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं भी अभी कहीं पे जाऊँ ट्रैवल करने। पापा ने मेरे अभी कुछ फोटोज खींचे और कहा था कि हंसना नहीं इसमें, हंसना नहीं, हंसना नहीं, हंसना नहीं, मेरे से बिना हंसे रहा नहीं जाता है। हवा का प्रभाव इतना ज्यादा है कि इधर हम बैडमिंटन नहीं खेल पा रहे हैं। देखते हैं, देखिए आ गया। पैकअप पापा पैकअप। सनी आज साइकिल चलाते चलाते सनी को देखिए कितना ज्यादा चोट लग गया, इसका पैर पूरा। ओ माय गॉड, दर्द नहीं हो रहा है? सनी, सनी के पैर जख्मी हो गए हैं और इसको दर्द नहीं हो रहा है। कैसा है तुझे, कैसा है? सही में तेरा फोटो खींचू? फोटो में कितना प्यारा लगता है वो, मतलब बाबू। कोई जाने को तैयार नहीं है। ओ आज मेरे भाई के पैर में चोट लग गया। ओ माय गॉड, पत्थर की जान ले लूंगा मैं। इसको पत्थर से पैर थोड़ा रगड़ा गया। जिस दिन मैं पहली बार गिरा था उसे, अरे साइकिल को कुछ नहीं हुआ, साइकिल को कुछ नहीं आ रहा। मेरी चिंता नहीं, साइकिल को कुछ हुआ कि नहीं वो चिंता। तेरी तो बहुत ज्यादा चिंता है बोले बाबू। पिज्जा खाने तेरे को? चल मैं बनाती हूँ आज घर पे तेरे लिए। यस। अरे
ऐसा पिज्जा बनाऊंगे ना कि। तो पार्क से घर लौट चुके हैं और मम्मी ने बोला कि जाके ब्रेड चाय बनाओ, और स्ट्रिक्टली बोला दीदी को कि तुम जाके बनाओगी। दीदी बना रही है अभी और हम सब खाएंगे, ढंग से बना दे। मम्मी ने मेरे को स्ट्रिक्टली नहीं, वो स्ट्रिक्टली बनाएगी, चुपचाप जाके बनाओ। नहीं, मम्मी ने बड़े प्यार से समझाएगी कैसे कैसे करते हैं ना, ज्यादा बदनाम ना करूंगी। क्या कर रही है? पिघला रही होगी। दीदी अभी ब्रेड सेक रही है और ये चाय मैं बना रहा हूँ। खुशबू आ रहा है दीदी तुमको चाय का? बिल्कुल अदरक अदरक हो गया माहौल। कॉपीराइट मार देगा ये। हनी यस, तुम बहुत गंदे दिख रहे हो। I know. और तुम क्या कर रहे हो? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? मैं हंस दिया, आज मैं स्मार्ट लग रहा हूँ ना एकदम। तू बिल्कुल जर्मन शेफर्ड लग रहा है। काला कलर का होता ही नहीं, होता है विक्टोरिया। मैं कैसा लग रहा हूँ दीदी बताओ? तू एकदम पमेरियन लग रहा है। आप लोग कमेंट से बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ आज, पमेरियन। और दीदी लैब्राडोर एकदम। ये वो लग रहा है वोडाफोन का कुत्ता। दीदी हम लोगों को बोल दे कोई हमारा कार्टून वाला फोटो बना करके भेज दे, प्लीज भेज दीजिए एक बहुत अच्छा वाला। सर्दी ठीक करने का एक उपाय बताऊं, नाक मुंह दोनों दबा ले एकदम ठीक। टार्जन लग रहे हो। तुम्हारे कहने से नहीं, खराई बन गए, रोटी में घी लाई गए, खाए जाओ। फुली रेस्ट मम्मी, आज सारा काम किया तुमने। इतना नहीं मम्मी, इतना झूठ नहीं बोलते, पाप लगेगा। तो खाने में आज बनाया आलू, शिमला मिर्च, बैंगन का भरता और रोटी। मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा लिया है क्योंकि मैं शाम में नाश्ता किया था, अभी तक मेरा पेट भरा ही हुआ है, तो आज का खाना ये। और पता है आप सभी को, मैं दादी माँ से बात कर लिया हूँ, ठीक है? जब दादी माँ भी घर में आएंगी तो पापा को ना कुछ भी करके मनाना तो पड़ेगा ही, और पापा मान के रहेंगे, ठीक है? पापा ठीक है, ठीक है, बहुत बोलते हैं ठीक है, ठीक है, मेरी आदत हो गई है। वो हनी कॉट स्टडिंग, ओह माय गॉश, ये कैसे हो सकता है? क्या हो गया सनी? मैं देख भी नहीं किया, मंत्री मरने वाला था अभी पापा का। तो अभी भी चर्च चल रहा है पापा और सनी का, देखते हैं आज कौन जीतता है। आज मैं सनी मदद नहीं करूंगा तेरा। चल कोई बात नहीं, अभी हमने सीधा सीधा कर दिया, हमें पता ही नहीं था। चलो 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 खेलो। अच्छा भला गेम जा रहा था, अपना मंत्री खुद मरवा दिया, पता ही नहीं चला, बिना देखे चल दिया गोटी। पापा ने मंत्री मार दिया इसका, पापा ने घेर लिया सनी को। अब सनी क्या करेगा? हाथी और राजा में लड़ाई करवा दूंगा। तो पापा ने सनी को बहुत गंदा वाला हराया है चेस में, अभी आता है तो पूछते हैं कि कैसा लगा उसको। तो सनी इधर आ, सनी सनी इधर आ। क्या गंदा वाला हराया पापा ने तेरे को? मेरे को तो पता ही नहीं चला मेरे मंत्री का मर गया। मैं होता तो मैं जिता देता तेरे को। नहीं हाँ, ये रहा मेरा इतना इतना मोटा किताब। मेरा भी शक्ल दिखाओ। हाँ चलो। हाँ तो अभी मैं ये पढ़ रहा था, इसमें मैम ने जिसमें एक भी पेज ये नहीं पढ़ा है, पढ़ दिया मैंने। मैम ने पूरे बुक का इतना मोटा बना के दिया था एक नोट्स, तो अभी वो पढ़ूंगा मैं। उसके बाद ये वाला ब्लॉग, आज का ब्लॉग एडिट करूंगा। और दीदी व्हाट आर यू डूइंग ब्रो? ब्रो आई एम जस्ट लर्निंग समथिंग। तो सनी जोक सुना देगा, जोक जोक मैं याद कर लेता हूँ। लाइट बंद कर दूँ तेरे लिए? कर दे तो अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, ऐसे ही सुना दे। तो सनी याद आया कुछ? मैं सुनाऊ? हाँ सुना दे। ये बताओ कुत्ता पूंछ क्यों हिलाता है सनी, तुम बताओ। सोचो सोचो क्या बताओ। अगर कोई डॉगी होता तो ऐसे ऐसे करते करते वो पूंछ हिला रहा होता। नहीं तू बता ना। अगर पूंछ कुत्ते को हिलाता तो क्या अच्छा लगता? मेरे को तो हंसी नहीं आई। मुझे भी। तो मैं जा रहा हूँ बाय बाय पढ़ने के लिए, ठीक है? तो मिलते हैं आप सभी से कल के ब्लॉग में। अरे रुक जाओ, मैं भी सुनाऊंगा एक जोक। अच्छा तू सुना रहा है क्या? इंटरनेट से ढूंढ के। जल्दी से ढूंढ ले और सुना जोक। सनी याद आ गया, सनी को जोक याद आ गया। सनी सुना। इंटरनेट पे ही देखा है मैंने। हाँ सुना दो। पहले हम इंडियन बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, अभी भी हैं। उसके बाद हमारा आधार कार्ड आ गया। ये बात सच है, सच है, ये बात सच है, क्योंकि मैं भी अभी ना बहुत क्यूट लगता हूँ। थोड़ा अटेंटिव रहो, ब्लॉग बन रहा है, लोग देखेंगे बोलेंगे कि इग्नोर कर रही है तू वीडियो को, तो क्या सोचेंगे? नहीं इग्नोर नहीं करते हम किसी चीज को। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ कि 12 बज गए रात के, और अभी मैं जाके पढ़ाई करूंगा, तब तक दीदी रामचरितमानस एडिट करी दीदी, तो तब तक मैं पढ़ाई करूंगा, फिर मेरा ब्लॉग एडिटिंग का समय आ जाएगा। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। अरे देखो यार, लोग बुरा मान जाते हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही, बुरा मान जाते हैं आप। मिलते हैं आप सभी से कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय। टाटा। मैं भी टाटा बोल दूं क्या? बोल दे। टाटा टाटा।